Assalamualaikum, this is your host Aisha Shukur. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को खूब इंजॉय कर रहे होंगे. तो जनाब, हमारी आज की जो गेस्ट है, शी इज़ अ मॉडल बाय प्रोफेशन, इसी के साथ साथ सिंगिंग और पेंटिंग का भी बहुत शौक रखती हैं. मज़ीद उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं. सो लेट्स वेलकम एनी रिहान खान. अस्सलामुअलैकुम एनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, यू लुक गॉर्जियस. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मुझे बताएं, मॉडलिंग का शौक कब और कैसे डेवलप हुआ? वेल, आई स्टार्टेड एज एन इन्फ्लुएंसर और फिर उसी के साथ साथ शूट्स की ऑफर आने लग गई, तो फिर बस आहिस्ता आहिस्ता यू नो उस थोड़ा सा उस फील्ड में भी आ गई. ओके, तो इन्फ्लुएंसर कब से हैं आप? आई थिंक 2020 के स्टार्ट से. ओके, तो 2020 पे आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आपने मॉडलिंग स्टार्ट की. हाँ, लेकिन अभी भी लाइक आई एम डूइंग इन्फ्लुएंसिंग टू. बिल्कुल, बोथ ऑफ दीस थिंग्स आर गोइंग हैंड इन हैंड, यू नो. बिल्कुल, ओके, परफेक्ट. मुझे ये बताएं कि जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो ऑब्वियसली फॉलोअर्स तो होते हैं, उसी के साथ साथ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, तो कैसे डील किया? वैसे ऑनेस्टली आई डोंट एक्चुअली फाइंड टाइम टू लुक फॉर द नेगेटिव कॉमेंट्स, बट वेन एवर आई फाइंड टाइम तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको डिलीट कर देती हूँ. एंड बहुत ही बुरी हो तो फिर ब्लॉक कर देती हूँ. मेरी तो ब्लॉकिंग लिस्ट फुल है. हाँ, ओके. या अभी तक सबसे कोई एक कॉमेंट जो याद हो शेयर करना चाहो? एक अभी रिसेंटली था कि पता नहीं किसी बंदे ने किया हुआ था कि मुझे लगता था तुम बहुत प्यारी हो लेकिन तुम्हारी वीडियो देखने के बाद बहुत ही बुरी लगी हो. ओके, ओके भाई, फाइन, दे डोंट वॉच. आई डिड ब्लॉक हिम, फेक सा लग रहा था. अच्छा, एनीवे से डीएम्स में तो बहुत मैसेजेस आते होंगे, किस टाइप के मैसेजेस आते हैं? अच्छे मैसेजेस आते हैं, कुछ होते हैं नेगेटिव मैसेजेस, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सब बुरे होते हैं, तो ओवरऑल अच्छी ही आवाम आती है. अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ हो कि बहुत फ्री टाइम हो, कभी किसी को रिप्लाई किया है? हाँ, बहुत जब होता था फ्री टाइम, अब तो होता ही नहीं है. तो स्टडीज के साथ साथ किस तरह से मैनेज करती है सर? इस तरह से मैनेज होता है कि मैं सिर्फ काम पे ध्यान देती हूँ स्टडी के टाइम पे. आई नो, मुझे पता होता है यार पैसे हैं, पैसों से काम चल जाएगा. अच्छा, वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ है कि शूट भी हो साथ ही कोई एग्जाम भी? बिल्कुल, अभी एक हफ्ता पहले लाइक आई हैव टू अटेंड माय एग्जाम एंड इट वाज ऑन, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, सैटरडे को था. तो वहाँ पे फिर माई मैनेजर कॉल्ड मी, ही सेड कि यार वो ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकती, टाइम नहीं मेरे पास, मैं क्या करूँ, पेपर छोड़ दूँ. हालांकि दिल था करने का, अच्छा शूट था, बट स्टडीज के बाद प्लान जो है वो मेरे ये है कि मैं अपना ब्रांड खोलूँगी, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फैशन एंड टेक्सटाइल. तो और साथ साथ अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू करूंगी. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो दैट शूट्स एंड पीआर सब, इट्स जस्ट लाइक द यू नो नॉट द परमानेंट थिंग. आप साथ साथ कर रहे हो तो कर रहे हो, दैट्स फाइन. बट मेन डिजाइनिंग आप कर रही हो, उसके साथ साथ अभी से अपने कपड़े कभी खुद डिजाइन किए हैं? हां, बहुत बार. तो कैसा रिव्यू मिलता है? फ्रेंड्स वगैरह कहती नहीं है कि जल्दी से स्टार्ट कर दो, हमें भी ऑर्डर्स लेने हैं? हां, बिल्कुल, सब लोग कहते हैं, खानदान भी सारा, कि हमें भी मुफ्त भेजना है, यू नो. तो वो तो चलता रहता है. तो क्या लगता है कि फ्री भेजूंगी कपड़े उनको कभी? खानदान को तो बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी, हां दोस्तों को भेज दूंगी. सही हो गया, इंटरेस्टिंग. पेंटिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी शौक है, तो हमें कुछ गुनगुना सकती हैं आज? सोचना पड़ेगा गाना, क्योंकि अभी माइंड में कुछ भी नहीं आया. चलें, आप सोच लें, प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे सॉन्ग भी सुन लेंगे. अभी मुझे ये बताएं, व्हाट आर योर प्लान्स ऑफ गेटिंग मैरिड? व्हेनेवर आई फाइंड अ गुड पर्सन. ओके, तो क्या क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? इंसान हो, इंसानियत हो, ओके, लिबरल हो, फन लविंग हो, बिल्कुल मेरी तरह हो. आई मीन लाइक मेरी जैसी उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, किसी तो उसका ह्यूमर बहुत अच्छा हो. ओके, दैट्स द थिंग आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज. या ठीक है, तो आपने कहा आपकी तरह फन लविंग होना चाहिए, तो हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन थ्री वर्ड्स? लॉयल, ओके, हार्ड वर्किंग एंड फन लविंग, डिसिप्लिन. अच्छा, वैसे लॉयल लोग बहुत कम मिलते हैं लाइफ में. हां, तो हार्ट ब्रेक्स का सीन हो सकता है. अभी तक तो इमरान खान ही है. ठीक है, तो क्या लगता है इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेंगे? चांसेस आर कम, बट आई रियली वांट हिम टू बी, यू नो. अच्छा है, बन जाए तो ठीक है. तो वोट कास्ट किया था आपने इलेक्शंस में? तो इस दफा होगा तो किस पार्टी को वोट करेंगे? ऑब्वियसली इमरान खान को. ठीक है, तो जब पता चला था कि मैंने उसको नहीं किया तो मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल देना. ओके, तो फैमिली में सब पीटीएम जी, बिल्कुल ऐसा ही है. ओके, तो कभी कोई भाई किसी और पार्टी को सपोर्ट, मोस्टली ऐसा होता है? पहले भाई तो वो नून लीग को करते थे, बट अब नहीं करते हैं. ठीक है, तो आपने बताया कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, जब आपको पता चला कि इमरान खान को गोली लगी है, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका?
ऑब्वियसली बहुत दुख हुआ. मेरे माई डैड कॉल मी एंड ही सेड कि इसको ऐसे, बिकॉज माई डैड इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इमरान खान ना, तो वो फिर हमें बताया उन्होंने, तो अम्मी तो बहुत ही पैनिक हो गई जैसे उनके अपने बच्चे को लगी हो. खैर तो ऑब्वियसली दुख हुआ बिकॉज यू नो अब एज भी इतनी ज्यादा है, फिर चार गोलियां लग गई एंड ऑल दैट, तो वो इट्स क्वाइट स्केरी ऑन दैट टाइम. कैसे मुझे ये बताएं कि मूवीज में आने का कोई प्लान है, ड्रामास की तरफ या मूवीज की तरफ जाने का? नहीं, कोई प्लान नहीं है. इफ एवर आई गेट अ चांस आई वुड परस्यू माय सिंगिंग करियर रादर देन ड्रामा एंड मूवीज. ठीक है, तो प्रोग्राम का टाइम तो खत्म हो गया, होपफुली अब तक सॉन्ग भी डिसाइड कर दिया होगा, हमें जाते जाते कुछ हल्का सा गुनगुना दे. ओके. कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटे हो जैसे. जबरदस्त, यू हैव सच अ मेलोडियस वॉइस एनी, वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज की वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. इसी के साथ मुझे अपनी होस्ट आयशा शुकूर को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.